अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। खबर शामिल करें कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से प्राइवेट स्कूल जिनकी महाना फीस 500 से कम है इनको सपोर्ट करने के लिए सिंध भर में स्कूल खोलने के तरीकेकार जारी करते हुए सिंध के नौजवानों से दरख्वास्तें देने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के MD अब्दुल कबीर काजी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत सिंध के तआवुन से 200 प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करने के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के MD का मजीद क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 1992 में एक कानून के तहत एस्टेब्लिश हुआ और अब तकरीबन 27-28 साल से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध के तमाम अजला में दूर दराज इलाकों में मुफ्त तालीमी सहूलत फराहम कर रहा है। इस वक्त हमारे तकरीबन 1800 स्कूल हैं जो मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं, जिनमें 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस साल जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक वबा कोरोना या COVID-19 की सूरत में हमारे इलाके में पूरी दुनिया की तरह आई और उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने इस साल के बजट में, जैसा कि आपको मालूम है, वजीर आला साहब ने यह ऐलान किया था कि हम 200 से ज्यादा ऐसे स्कूल जो कि मुतासिर हुए हैं या नीचे जा रहे हैं उन स्कूलों को हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए मालियाती सपोर्ट देंगे ताकि वो स्कूल बेहतर परफॉर्म कर सकें, वो स्कूल बंद ना हो बल्कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रख सकें। इन 200 स्कूलों के जरिए हमारी उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो या स्कूलों से ड्रॉप हो गए या अब ड्रॉप होने जा रहे थे वो बच्चों को हम वापस स्कूलों में लाएं और हम उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रख सकें। हमने तकरीबन 1 हफ्ता पहले इश्तिहार दिया है जिसमें हमने आप तमाम खानगी स्कूल के जो मालकान हैं उनसे गुजारिश की है कि जो भी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के इंतजामी और मालियाती निजाम के साथ काम करना चाहते हैं वो उस इश्तिहार के जरिए से अप्लाई करें और हमारे साथ मिलके हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे ताकि हम सिंध के दूरदराज इलाकों में, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पे तालीम की बेहतर सहूलतें मुहैया नहीं है, हम उन इलाकों में मिलके उन स्कूलों को बेहतर करें, बच्चों की तालीम का निजाम बेहतर करें। हमारी दरख्वास्त है कि वो स्कूल आगे आए और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लें ताकि हम मिलजुल के सिंध के अवाम की, सिंध के उन इलाकों में जहां पे अभी तालीम की शायद वो सहूलत मुयसर नहीं है वहां पे हम जाएं और लोगों को, सिंध के बच्चों को हम तालीम की वो सहूलत मुयसर पहुंचाएं। शुक्रिया।